स्वामी नारायण हरे। संवंत 1876 ना माक्षर सुधी पंचमी ने दिवस श्रीजी महाराज श्री गढ़ा मध्य दादा खाचर ना दरबार मा रात्रि ने समय विराजमान हता। अने सर्वे श्वेत वस्त्र धारण कर्या हता। अने पोताना मुखार विंदनी आगल साधु तथा देश देश ना हरिभक्तनी सभा भराई ने बैठी हती। पछी मयाराम भट्टे श्रीजी महाराज प्रत्ये प्रश्न पूछू जे, हे महाराज, उत्तम मध्यम अने कनिष्ठ ए त्रण प्रकारनो जे वैराग्य तेना शा लक्षण छे ते कहो। त्यारे श्रीजी महाराज बोल्या जे, उत्तम वैराग्य जेने होय ते परमेश्वरनी आज्ञाए करीने अथवा पोताना प्रारब्ध कर्म वशे करीने व्यवहारमां रहे, पण ते व्यवहारमां जनक राजानी पेठे लोपाय नहीं। अने शब्द स्पर्श रूप रस अने गंध ए पंच प्रकारना जे उत्तम विषय ते पोताना प्रारब्ध अनुसारे प्राप्त थाय तेने भोगवे, पण प्रीतिये रहित उदास थको भोगवे अने ते विषय एने लोपी शके नहीं अने तेनो त्याग मोड़ो न पड़े अने ते विषय ने विषय निरंतर दोष ने देखतो रहे अने विषय ने शत्रु जेवा जाने अने संत सत शास्त्र अने भगवान नी सेवा तेनो निरंतर संग राखे अने देश काल संग आदिक जो कठण आवी पड़े तो पण एनी जे एवी समझण ते मोळी पड़े नहीं तेने उत्तम वैराग्य वालो कहिए। अने जेने मध्यम वैराग्य होय ते पण उत्तम एवा जे पंच प्रकारना विषय तेने भोगवे पण तेमा आसक्त न थाय। अने जो देश काल संग कठण प्राप्त थाय तो विषय ने विषय बंधाई जाय अने वैराग्य मंद पड़ी जाय तेने मध्यम वैराग्य वालो कहिए। अने जे कनिष्ठ वैराग्य वालो होय तेने सामान्य ने दोषे युक्त एवा पंच विषय जो प्राप्त थाय ने तेने भोगवे तो तेमा न बंधाय। अने जो सारा पंच विषय प्राप्त थाय ने तेने भोगवे तो तेमा बंधाई जाय तेने मंद वैराग्य वालो कहिए। इति वचनामृतम। एवी रीते गढ़ा प्रथम प्रकरणनु बीजू वचनामृत थयो।